नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की खबरें नॉन स्टॉप। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेले में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सत्यम शिवम सुंदरम मेले का अवलोकन किया और चैतन्य देवियों की झांकी का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर साध्वी निरंजना ज्योति ने कहा कि भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाती है और भले ही हम किसी भी धर्म व समुदाय के हों, लेकिन लक्ष्य सभी का एक है। भगवान शिव जो शरीर रहित है, निराकार है, हम लोग प्रार्थना भी करते हैं निराकार ओंकार मोरम तुरियम, ऐसे परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का ही व्यक्ति का लक्ष्य है और बिना उसके प्राप्त किए आदमी सुखी नहीं हो सकता, आनंदित नहीं हो सकता। तो ये किन प्रकार हर संप्रदाय व्यक्ति को आनंद देने का काम करता है, उसी में आपका भी एक संस्थान है और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सीबीआई के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेन, साध्वी हेमलता, उज्जैन के महापौर मीना विजय जोनवार समेत अनेक संतों ने मेले का अवलोकन किया और चैतन्य देवियों की झांकी का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीआर कार्तिकेन से इंदौर दिव्य जीवन कन्या छात्रावास के राजयोग शिक्षक बीके वासुमती ने प्रश्नोत्तर किए, जिसमें डीआर कार्तिकेन ने माउंट आबू के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन, सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन। आई हैड अ गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन फॉर सच अ ग्रेट ब्लेसिंग। दे आर ऑल हाईली स्पिरिचुअल सोल्स। Humility, simplicity, purity is the hallmark of Brahma Kumari movement. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दूसरी बार मिली सफलता की बधाई देने के लिए कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन, बीके मुन्नी समेत अनेक सदस्यों ने मुलाकात की और ईश्वरी सौगात भेंट कर राज्य के निस्वार्थ सेवा करने की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। ब्रह्मकुमारी संस्था के ज्ञान स्वरूप में अध्यात्म और विज्ञान के सामंजस्य से बेहतर विश्व की परिकल्पना के साथ वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन अवसर पर प्रोफेट के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोयल, प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मोहन सिंघल, मुलुंड जोन के प्रभारी बीके गोदावरी, शांतिवन के अभियंता बीके भरत समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। सम्मेलन में अभियंताओं एवं वैज्ञानिकों से चर्चा करते हुए वक्ताओं ने आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि अध्यात्म और विज्ञान का सामंजस्य स्थापित करके नए विश्व की सोच को साकार करने का प्रयास किया जाए। नेचर से उतना ही रिसोर्सेज लें जितने की नॉर्मली रिप्रोड्यूस हो सके नेचर के द्वारा, उससे ज्यादा लेंगे तो हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नेचर के साथ रहना है, नेचर के साथ रहिए, सब खुश रहेंगे। नेचर ने सबके लिए सब कुछ दिया है। वही समापन सत्र में ONGC के पूर्व महाप्रबंधक PV खुबालकर, वैज्ञानिक अधिकारी RK जैन, संस्था के जनसंपर्क व सूचना निदेशक बीके करुणा, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मोहन सिंघल, मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमन साहू, प्रभाग की मुंबई जोन संयोजिका बीके गोदावरी समेत कई सदस्यों ने शामिल होकर विज्ञान और आध्यात्म के सामंजस्य से जीवन को सुखदायी बनाने का आह्वान किया। इंटरनल ह्यूमन नेचर आत्मा से संबंधित, एक ये एक्सटर्नल नेचर बाहर से संबंधित, और दोनों का जब आपस में एक बहुत हार्मनी हो जाती है तो जीवन एक सेलिब्रेशन हो जाता है। सबसे बड़ी से बड़ी हार्मनी है अवर इंटरनल हार्मनी विद द सेल्फ। गुरुग्राम के ORC में 2 दिवसीय 15वें अखिल भारतीय गीता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ पर हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, अहमदाबाद से स्वामी अध्यात्मानंद महाराज, ऋषिकेश से स्वामी जीवनदेव महाराज, स्वामी डॉक्टर मुक्तानंद पुरी महाराज, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ORC के निदेशक बीके आशा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस V.ईश्वरैया, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा मुख्य रूप से उपस्थित थी। सम्मेलन के दौरान राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि हमारे देश में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उसे आचरण व व्यवहार में लाने की जरूरत है।
वहीं अन्य विद्वानों ने भी भारत देश की महिमा की और अपनी सोच को हर धर्म व मजहब के प्रति सकारात्मक बनाने की बात कही। अगर अंदर झांक करके विचार करेंगे तो सबके सब बहुतायत लोग दुर्योधन जैसे ही व्यवहार करते हैं। पूरे विश्व में जितनी व्याप्त समस्याओं का कारण है वो कारण इसलिए है कि दुर्योधन हमारा। गीता ने जो कहा है हिंसा अहिंसा, अरे हिंसा को छोड़ो अहिंसा को छोड़ो, एक बात समझना, हिंसा माने युद्ध बोलने से हिंसा नहीं है। हिंसा बनने से अगर हम किसी को कड़वा भी कहते हैं, किसी के लिए निम्न बात छोटी बात कहते हैं, उससे बड़ी भी कोई हिंसा नहीं। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि परमात्मा शिव ही आकर के हमें सच्ची गीता ज्ञान सुनाते हैं, जिसे सुनकर हम श्री कृष्ण के समान गुणवान बनते हैं। इसके साथ ही गीता के अन्य महावाक्यों के वास्तविक रहस्य से अवगत कराते हुए आत्मिक दृष्टिकोण रख कर ज्योतिर्बिंदु परमात्मा की याद द्वारा अपने विकर्मों को समाप्त करने तथा जीवन को खुशहाल बनाने की सलाह दी। अगर भगवानों वाच की गीता है तो सारी दुनिया के लोगों को इसको मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को तो सारे धर्मों वाले मानते हैं लेकिन नहीं मानते। भगवद गीता के द्वारा जो भारत इतना महान देश बना उसकी जय बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इसको जोड़ देते हैं हिंदू धर्म से और श्री कृष्ण देवता। सम्मेलन के समापन सत्र में हरि मंदिर आश्रम के स्वामी धर्मदेव, दिल्ली में महाशक्ति पीठ के अध्यक्ष स्वामी सर्वानंद सरस्वती, हुबली सब जोन प्रभारी बीके बसवराज, राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ तिरुपति के उप कुलपति डॉक्टर हरे कृष्ण सत्यपति, जबलपुर से गीता विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे ने भी अपने विचार रखे। आप पिंजरे में बंद होना चाहते हैं कि अलग अलग डाल पर अच्छी बाणी बोलना चाहते हैं? किसी ब्रह्म कुमारी किसी ब्रह्मकार को बाबा ने पिंजरे में बंद नहीं किया, इसलिए इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनका अच्छा उन्मुक्त पंछी की तरह जहां बोलते चाहे एयर में मिल जाए, चाहे हवाई जहाज में बैठे हो, चाहे कहीं हो, वहां की तरंगें ही बदल जाती हैं। एक भारत की भूमि ऐसी, भारत का संत ऐसा, भारत का ग्रंथ ऐसा, जिसने केवल अपना या अपने पड़ोसियों का भला नहीं सारी दुनिया का भला चाहा और जो हो सका वो किया भी सही। साइंस की भी बात करेंगे और अध्यात्म की, क्योंकि 21वीं सदी में दोनों के बिना नहीं चल सकता। हम ऐसे संसार में जाने वाले हैं जहां अध्यात्म का जो फल है और साइंस अपने चरम सीमा पर हो। भारत सरकार के रेल मंत्री सुरेश प्रभु से ब्रह्मा कुमारी संस्थान ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, माउंट आबू के बीके प्रकाश तथा बीके सोमशेखर ने मुलाकात कर संस्था के गतिविधियों की जानकारी दी। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब और चंडीगढ़ से आने वाले संस्था के सदस्यों के यात्री भार को देखते हुए ट्रेनों के फेरे बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही अजमेर तक आने वाली ट्रेन को आबू रोड तक बढ़ाने के भी सुझाव दिए गए। इस अवसर पर रेल मंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ चर्चा कर कार्यवाही के आदेश दिए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान शांतिवन के शिक्षा प्रभाग द्वारा बच्चों में मूल्यों के समावेश तथा बौद्धिक विकास के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। 7 दिन तक चलने वाले समर कैंप में पूरे भारत से 8 से 16 वर्ष के 2000 बच्चों ने भाग लिया। इस शिविर के उद्घाटन अवसर पर संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दागी रतन मोहिनी, आबू रोड पालिका अध्यक्ष सुरेश सिन्हा, प्रभाग के अध्यक्ष बीके निर्वैर, ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहिनी, कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके हरीश शुक्ल ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सारी विश्व के अंदर यह एक विद्यालय, ऐसे ऊंचे से ऊंचे विद्यालय में आप पढ़ रहे हो तो आप कितने महान। नगर पर और धर्म की प्रेरणा पर और अच्छे संस्कारों के मूल्यों को लेकर आप जो चल रहे हैं और आप जो व्यक्तित्व विकास में आकर जो कार्य कर रहे हैं, इसका मेरे देश में आगे भी और आगे इस जरूरत पड़ेगी और आप लोग इस देश का भविष्य बनकर उभरेंगे, ऐसी मैं आज के दिन कामना करता हूँ।
नई दिल्ली के खानपुर सेवा केंद्र द्वारा फरीदाबाद सूरज कुंड के राजहंस होटल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गॉड्स विस्टम फॉर पीस एंड हैप्पीनेस विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, मुख्य संसदीय सचिव सीमा त्रिखा, राज्य महासचिव संदीप जोशी, नगर पार्षद सतेंद्र चौधरी, स्पाइसेस एंड पल्सेस के अखिल भारतीय आयातक और निर्यातक रतनलाल अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, प्रहलादपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा मुख्य रूप से उपस्थित थी। जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने कहा कि परमात्मा ही हमारे सच्चे माता पिता हैं, जो हमें जीवन में सदा सुख शांति देते हैं, इसलिए हमें उनसे मजबूत संबंध बनाना होगा। इसके साथ ही उन्होंने व्यावहारिक जीवन की समस्याओं के समाधान भी बताए। घर में रहना और बाबा के वाइब्रेशन को चारों तरफ फैलाना ही सेवा है, लेकिन हम ही अगर साधारण चलेंगे तो फिर हम कौन से वाइब्रेशन फैला रहे हैं सारा दिन। घर में सबको अगर टेंशन होती है और हमें थोड़ी कम होती है तो क्या फ़र्क है? उनको ज़्यादा होती है, हमें कम होती है। फर्क तो तब है कि उनको है और हमें बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम में आम जनता, विभिन्न संस्थानों के नेतृत्वकर्ता, व्यापारी तथा उद्योगपति आदि बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। वहीं उपस्थित लोगों को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा ज्ञान की थीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सारंगपुर के गुलावता में किसान सशक्तिकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जी आर अमाबतिया, वरिष्ठ कृषि अधिकारी राधेश्याम शर्मा, शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज के प्रोफेसर ए आर पाटीदार, सरपंच सुरेश कुमार संगोई, राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, बीके विजय लक्ष्मी और बीके अरविंद समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे। अतिथियों ने विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब धरती माँ की गोद में जहर अर्थात रासायनिक खादों का प्रयोग करना बंद करें तथा राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। वहीं अन्य विशिष्ट लोगों ने ब्रह्मा कुमारी द्वारा शाश्वत यौगिक खेती की इस पहल को सराहा। धरती माता की गोद में जहर देना बंद करें, एक विचारों का शुद्धि करें जिसमें जो है हमारी खेती में योग आ जाए, दूसरा ये है जहर डालना बंद, विचार शुद्ध होंगे तो जहर नहीं आएगा। कार्यक्रम में कई गांव के किसानों ने शाश्वत यौगिक खेती के प्रयोग को विधिवत समझकर उसे अपनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही नगर के कई स्थानों पर किसान सशक्तिकरण रैली निकाली गई, जिसमें सभी ने बड़े उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया। अम्बाला कैंट के दयालबाग सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विश्व परिवर्तन के लिए परमात्म ज्ञान थीम के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत माता योग अभ्यास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला तैराकी संस्थान के प्रधान राजेंद्र विज, भारत माता योग अभ्यास केंद्र के महासचिव नरेश भारद्वाज, अम्बाला सब जोन प्रभारी बीके कृष्णा, अम्बाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर राजेंद्र विज ने कहा कि हंसना जीवन में बहुत जरूरी है और हंसने के लिए दिल व दिमाग का शांत होना आवश्यक है, जो कि संस्थान द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग से ही संभव है। वहीं बीके सदस्यों ने भी उपस्थित लोगों को शारीरिक व्यायाम के साथ राजयोग का अभ्यास भी कराया तथा अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट कर दैवी गुण धारण करने की प्रेरणा दी। मथुरा के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र के वार्षिकोत्सव में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राम दरबार मंदिर के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी ईश्वरैया, धर्मपत्नी श्यामला ईश्वरैया, जिलाधिकारी ए के सिंह, उप जिलाधिकारी केहरी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामवीर सिंह, कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज उपस्थित थी। इस दौरान जस्टिस वीश्वरैया ने कहा कि समाज और व्यापार द्वारा पवित्रता के संस्कार बेटियों को देने के साथ साथ उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राजयोग की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने आज के समय में समाज की सोच बदलने की आवश्यकता पर बल दिया और बीके सरोज ने नारी सशक्तिकरण की बात कही। मध्य प्रदेश जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर नशा मुक्त जीवन में धर्म की भूमिका विषय पर सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस सम्मेलन में जैन वर्णी गुरुकुल के ब्रह्मचारी त्रिलोक जैन, गढ़ा मस्जिद के हाजी सूफी लाल कादरी, ज्योतिषाचार्य एवं देवी उपासक डॉक्टर आचार्य सत्येंद्र शास्त्री, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिमला मुख्य रूप से उपस्थित थीं। आत्मा और परमात्मा की सत्य पहचान देते हुए बीके बिमला ने सहज राजयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा विश्व बंधुत्व की बात कही। इसके साथ ही ब्रह्मचारी त्रिलोक जैन ने कहा कि पवित्र हृदय में ही मानवता का दिया जलता है। ज्ञान से और राज्यों के अभ्यास से शांति की अनुभूति होती है, सुख मिलता है। जब उसको ये सब चीजें जीवन में अनुभव होती है, ऑटोमेटिक बुरी चीजें जो उसको विनाश के गर्त में ले जा रही थी, पतन के गर्त में ले जा रही थी, एकदम बुरा इंसान बना रही थी, अपराध उससे करवा रही, वो सब चीजें उसकी छूटती जा। दिल्ली के डेरावाल नगर सेवा केंद्र में हर पल बनाए सरल विषय पर टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू गुप्ता, गणित प्रशिक्षक सुधीर सिंघल, मेमोरी ट्रेनर डॉक्टर अदिति सिंघल, जीबी पंत हॉस्पिटल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एमकॉम स्टूडेंट कशनी मुख्य रूप से उपस्थित थी। टॉक शो के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने अपने अनुभवों के माध्यम से कई प्रश्नों के उत्तर दिए और कहा कि अपने जीवन को सरल बनाने के लिए हर काम सक्षम होकर करना चाहिए तथा अपने आंतरिक गुणों को जानकर उसका सही उपयोग करने तथा राजयोग द्वारा अन्य गुणों व विशेषताओं को विकास करने की बात कही। हर चाहे पहले से साधन बढ़ गए हैं, कंफर्ट लेवल भी बढ़ गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया है, लेकिन कभी भी हम अपने आप को नहीं देखते हमें क्या मिला है, सामने वाले को क्या मिला है, वो क्या कर रहा है, उससे बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तो अगर हम अपने ऊपर फोकस करें, मुझे लगता है जीवन में जितनी भी आज प्रॉब्लम्स हैं किसी वजह से। इस अवसर पर जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को चुनौती समझकर उसका सामना करने की प्रेरणा दी गई तथा संबंधों में मधुरता लाने व उन्हें मजबूत बनाने के लिए स्वयं को बदलने व दूसरों के प्रति सकारात्मक विचार करने की सलाह दी। महाराष्ट्र चंद्रपुर में राजूरा के शिवाजी महाविद्यालय परिसर में ब्रह्मा कुमारी, सत्संग सेवा समिति, नाभिक समाज, राजस्थानी महिला मंडल समेत अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा स्वास्थ्य समृद्धि एवं खुशी का रहस्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मोटिवेशनल ट्रेनर बीके विगिरीश, स्थानीय विधायक अंगर संजय धोटे, पूर्व विधायक प्रभाकर मामूलकर, सुभाष धोटे, सुदर्शन नीमकर, नगर पालिका के अध्यक्ष अरुण धोटे, चंद्रपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम और बीके दीपक उपस्थित थे। इस दौरान बीके विगिरीश ने राजयोग के माध्यम से परेशानियां दूर कर खुशहाल जीवन जीने की विधि सिखाई। इसके साथ ही उपस्थित लोगों से सवाल जवाब कर उनमें उमंग भरा गया। अंत में विशिष्ट बीके सदस्यों को शॉल उड़ाकर व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं चंद्रपुर के मातोश्री सभागार में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गोंडवाना यूनिवर्सिटी के पूर्व कुल गुरु डॉक्टर विजय आइंचवार, IME के अध्यक्ष प्रमोद बांगड़े, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके विगिरीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम, प्रसिद्ध गायक जय गोपाल लूथरा समेत कई विशिष्ट लोग शामिल थे। चीनी गणवादी राज्य की राजधानी बीजिंग में भारतीय दूतावास के मिनिस्टर डिप्टी चीफ ऑफ मिशन डॉक्टर बाला बी भास्कर से ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, सिकंदराबाद से बीके सत्यनारायण, चीन के संयोजिका बीके चेन डेंग समेत संस्था से जुड़े अन्य लोगों ने मुलाकात की और बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। ऐसे ही बीजिंग में पाकिस्तान दूतावास के काउंसलर शोजब अब्बास से भी सदस्यों ने मुलाकात की और संस्था द्वारा विश्व में की जा रही सेवाओं की जानकारी देते हुए मुख्यालय माउंट अबू आने का निमंत्रण दिया। मैक्सिको के यूकेटन में ब्रह्मा कुमारी द्वारा समाज में किए जा रहे श्रेष्ठ कार्यों के लिए बीके कर्मेलिना को यूकेटन में LIC के निजी सहायता बोर्ड के निदेशक बेटा एलिसिया रोसादो आर ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। खबरें नॉन स्टॉप में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।